एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाइए। और उसके बाद आज हमें इस वीडियो में बेसिकली करना क्या है कि एसिड बेस का कंपैरिजन करना है, जो कि गैस फेज में आपको चेक करनी है। तो गैस फेज में बताया कि जब भी किसी कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो हमें देखना होता है उसके कॉन्जुगेट आयंस की स्टेबिलिटी क्या है। और पहली बात इस बॉन्ड के स्ट्रेंथ होने की, जो आपका बेसिकली एच प्लस निकलने के लिए जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या है, बेसिकली इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे पहले कंपेयर करनी होती है। और सेकेंड केस होता है कि आपको इन आयंस की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। तो एज अ इन अ लिक्विड मीडियम या फिर किसी सॉल्वेंट में बेसिकली इनका सॉल्वेशन हो जाना, इनमें कॉन्जुगेशन हो जाना, इनका मान लो एच प्लस है तो एच प्लस किसी दूसरे निगेटिव या फिर पोलर सॉल्वेंट से क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखना होता है। लेकिन गैस फेज में क्या करना होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस सी एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ का कंपेयर करना होता है। और उसके बाद बेसिकली आपका जो ये आयंस बन रहे हैं, इन आयंस की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है इन गैस फेज। तो इन गैस फेज में अगर इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बेसिकली अगर आपको गैस फेज में चेक करनी है तो आपको गैस फेज में कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। बोलिए भाई, एक बार जिसका चल नहीं रहा है वो लोग अपनी वीडियो को बंद करें और दोबारा स्टार्ट करें। जिनका चल नहीं रहा है वो वीडियो को एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाने लगेगा। बोलिए भाई, एक बार सब लोग हाँ बोल दीजिए कि हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई, तो हम लोग आगे आगे कंटिन्यू करें। सब क्लियर है ना? आगे नहीं कंटिन्यू किया जाए क्या? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, और बाकी सब लोगों को बुला लीजिए वापस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि एसिड बेस का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका वो है क्या? बोलो भाई, एसिड बेस का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जहां पर हमारे पास हाँ सी होगा? जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे होंगे कि सी होगा, देखते हैं कि सी होगा कि नहीं। क्वेश्चन काफी सारे सीखने को मिलेंगे आज। देखो, अब अगर यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि C2H5O H पहला इस पैरामीटर ये है, दूसरा क्या पैरामीटर, CH3OH, और अगला पैरामीटर क्या है, OH और H। ठीक है, तो अगर सबसे पहले जो हमें चीज चेक करनी है वो हमें सबसे पहले चीज क्या करनी है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग सेम है सबके लिए। इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो लगभग सेम है। तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर लगभग सेम है तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड काम आएगा वो क्या आएगा भाई, इसकी स्टेबिलिटी चेक करना। C2H5OH- CH3- और गैस फेज में ऐसा होता है भाई, गैस फेज में ऐसा होता है बेसिकली कि आपके पास C2H5O- CH3O- और यहां पर ये O माइनस, तो यहां पर कोई सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट गैस फेज में इतना डोमिनेट नहीं करता है। ध्यान रखिए, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट यहां पर इतना डोमिनेट नहीं करता है। तो इसलिए यहां पर जो नया टर्म आता है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है आपका, चार्ज कैपेसिटी। चार्ज कैपेसिटी क्या बोलते हैं इसको, चार्ज कैपेसिटी फैक्टर आपका। आप सब लोग क्या कनेक्टेड है मुझसे सही तरीके से, क्या आप सभी लोग डिपेंड कर रहे हैं यहां पर, आपको साफ साफ दिख रहा है? तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, चार्ज कैपेसिटी का, कि कौन अपने चार्ज को आसानी से अटेन कर सकता है, कौन सा आयन अपने चार्ज को आसानी से अटेन कर सकता है, यही बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, C2H5OH, C2H5 ये जो है बेसिकली C2H5 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, यहां पर ये ग्रुप। तो यहां पर C2H5 क्या है, एक लार्ज एंटिटी है। क्या है, लार्ज एंटिटी है। तो यहां पर लार्ज एंटिटी होने की वजह से, ये इस निगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है अपने एटम्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये C2H5OH क्या करेगा, इस कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगा। इसी तरीके से उससे छोटा साइज CH3 का है तो CH3 आएगा सेकेंड नंबर पर, क्योंकि ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को गैस फेज में अपने ऊपर डिस्पर्स कर सकता है। और H माइनस सबसे छोटा हो जाने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये वाला कॉन्जुगेट एनायन है। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो C2H5OH की होगी, देन CH3OH की होगी, एंड देन H2O की होगी। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ए आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी ए।
यहां पर सी सी बी बी आंसर दे रहे थे और देखिए कोई भी ए आंसर नहीं बोला। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या कि बेसिकली यहां पर आपको चार्ज का सेपरेशन किस ली कंपाउंड में आपका चार्ज आसानी से क्या नाम है डिस्पर्स हो सकता है, इसे आप निगेटिव कॉन्जुगेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? निगेटिव 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 हाइपर कॉन्जुगेशन, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसे निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, बेसिकली जैसे अगर मैं आपको ये सी टू एच फाइव बनाकर दिखाऊं तो यहां पर ये सी एच एच और यहां पर ये एच और यहां पर ये सी ये एच और बेसिकली यहां पर ये आपका ओ माइनस। तो ओ माइनस बेसिकली यहां अटैक कर सकता है, ये बेसिकली क्या आपका देखिए ये ओ माइनस यहां अटैक कर सकता है। अब उसके बाद बेसिकली क्या हो सकता है कि ये एज अ एच माइनस निकल जाएगा तो ये जो रेजोनेंस करके क्या होगा इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सी एस थ्री सी एच माइनस एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये एक तरीके का निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, ये निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो आपके लीगेंड्स हैं, ये जो लीगेंड्स हैं या फिर साइड आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है, ये सी टू एच फाइव ओ एच, ये सी टू एच फाइव ओ एच, ये ग्रुप जितना बड़ा होगा और पहली बात बड़ा होने के साथ साथ इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का साइज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहीं पर सल्फर एटम लगा देता तो यहां पर कॉन्जुगेशन ना हो पाता, निगेटिव चार्ज डिस्पर्जन ना हो पाता क्योंकि साइज में डिफरेंस आ जाता। तो ये बात आप सभी को क्लियर समझ में आई? अल्फा कार्बन की तरीके से समझा जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखिए कि अल्फा कार्बन की तरीके समझा जा सकता है। अब यहां पर अल्फा कार्बन आपको काउंट नहीं करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से समझा जा सकता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज यहां पर पूरे के पूरे एटम में डिस्पर्स हो सकता है। यहां पर समझ रहे हैं इस बात को, पूरे के पूरे एटम में डिस्पर्स हो सकता है, किसी भी एटम में डिस्पर्स हो सकता है ये। तो जितना बड़ा आपका बेसिकली ये लिगेंड होता है और अगर वो इसका साइज और इसके इसके कार्बन के साइज और इसके ऑक्सीजन के साइज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए रहता। अगर यहां पर सल्फर एटम लगा होता, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि H2S, अब इसी पर आधारित एक और सवाल देखिए कि H2S, ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको, H2S और CH3 और CH3SH इन दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज में बताइए। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि गैस फेज में, मैं सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, जो जो यहाँ पर जुड़ रहा है सबका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, जो लोग सी कमेंट करें, कोई ए, किसी ने ए कमेंट नहीं किया, आई इफेक्ट रोल नहीं करेगी, नहीं करेगी जी आपकी तबस्सुम जी जो है ये, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। निगेटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन तो क्लोरीन और फ्लोरीन शो करता है, तो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। देखिए गैस फेज में आ जाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं लेकिन यहाँ पर अब कोई सॉल्वेंट नहीं है। तो जब सॉल्वेंट नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्जुगेट आयन को स्पेशली पढ़ना होगा, तो इसका मतलब आप उसको इसकी सही से नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं इसमें इसे ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ, तो आप फटाफट सब लोग बताएंगे कि ए बी में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ए बी में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सब लोग फटाफट बताइए किसकी स्ट्रेंथ ए और बी में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। सब लोग फटाफट जुड़ जाओ यार, बोलो ए बी में सबकी स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी। H2S more than CH3H, CH3SH, 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 H2S, H2S। तो देखो इसीलिए मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में यहां पर, जब ये हमने इस क्वेश्चन की बात करी तो यहां पर मैंने आपसे एक बात कही, मैंने एक बात कही जिसने ध्यान से सुनी होगी, जिनने उनको ये बात क्लियरली समझ में आएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर बेसिकली ये ऑक्सीजन और ये कार्बन ये दोनों सेम साइज के हैं, जिस वजह से ये जो आपका निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है ये आसानी से हो पा रहा है। ये निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कार्बन की जगह सल्फर होता, जैसे कि देखो इस वाले को अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो बताओ क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3S-, इसका मतलब होगा इसको मैं लिख सकता हूं CH और बेसिकली ये S- और यहां पर क्या है बेसिकली S-H। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली कोई हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो नहीं सकता। अब यहां पर देखो, यहां पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सल्फर एटम और कार्बन एटम, इनके पी ऑर्बिटल, इनका साइज में डिफरेंस है, तो ऑर्बिटल्स में इतनी आसानी से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे जब साइज में डिफरेंस होता है। तो
इस वजह से यहां पर किसी भी तरीके का निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। अब निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता तब उस जगह आप इसका प्लस आई इफेक्ट कंसिडर कर सकते हो, समझ रहे हो आप, तब इसका प्लस आई इफेक्ट कंसीडर कर सकते हो। तो प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करोगे तो इसका मतलब है कि H2S की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। CH3SH और H2S में आपके H2S की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बोलिए भाई, ये बात सबको क्लियर समझ में आ गई? एक एक बच्चे को क्या ये बात क्लियर समझ में आ गई? ए जिस जिसने कहा उसने बात ध्यान से नहीं सुनी। एसिड बेस में कभी भी नहीं लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा ये क्या होता है, ये तो होता ही है ना कंपाउंड में भाई। अगर आपने किसी कंपाउंड में कामिनी जी ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट, ये जो अपने दिमाग में आपने कॉन्सेप्ट बना रखे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये CH3F लगा हुआ है तो भाई ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, और जब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगी ही खींचेगी, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। बात ध्यान में रखने वाली ये है कि कब वो इफेक्टिव होगा और कब वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर आपके जब इस वाले क्वेश्चन को हमने देखा तो इस जगह इसका प्लस आई इफेक्ट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके प्लस आई इफेक्ट में। अगर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप कंसीडर करेंगे, मैं आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डाटा दिखाता हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डाटा लिखिए आप। हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है इसके लिए अगर वो 2.1 होती है, CH3 की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो मैं आपको बिल्कुल डाटा लिखकर दिखा रहा हूँ साथ में, ठीक है। CH3 की होती है जो बेसिकली 2.3 होती है, और ET की जो होती है ये 2.32 होती है, 2.32। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2.3 इनकी वैल्यूज में इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके जो हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट डिफरेंस है वो कितना अगर कंसीडर किया जाए, तो H के लिए अगर वो 1 है तो बेसिकली आपके इसके लिए ME के लिए 2.3 हो जाता है, और ET के लिए क्या हो जाता है आपका, ET के लिए कितना लिखा है, ET के लिए हो जाता है आपका 3.9, 2.8 होता है ये और 3.9। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आपका ये निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है आपका बेसिकली ये क्या होता है ज्यादा, तो जो ज्यादा क्या नाम है इफेक्टिव होगा, जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा जिस जगह पर, बस वो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, वो आपके सवाल को सॉल्व करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना चाहिए। H2O एसिडिक गैस फेज में रिएक्शन हो रही है, आप सभी लोग सुनिए ध्यान से, ये मैंने आपसे पूछा कि गैस फेज एसिडिटी चेक करनी है, तो एक बार सब लोग बता दो कि ये पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। एक बार सब लोग क्लियर कर दीजिए कि ये पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। जब तक ये सवाल सही से समझोगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट आप सभी को सीखने चाहिए। शुरुआत में थोड़ी नेट का इशू हुआ जिसकी वजह से आप सुन नहीं पाए मेरी बातों को सही से, इसलिए एक बार सब लोग क्लियर कर दीजिए, सब लोग इस बात को क्लियर कर दीजिए कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई। भाई बोलो भाई, आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? गैस फेस एसिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? गैस फेस एसिडिटी का क्वेश्चन समझ में आया? यस, ऑल क्लियर भाई। जितने लोग हो सब लोग कमेंट करो, सबका सबके दिमाग किसी के दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर रेगुलरली आपके साथ जुड़कर ये जो गुड नाइट क्लास चलने वाली है ये करके का आपका हर तरफ के कॉन्सेप्ट एक साथ दिमाग में चलेंगे, तो आपकी इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक सब कुछ हमें एक साथ दिमाग में चला के रखनी है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ दो टॉपिक ही पढ़ेंगे। ओके क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फटाफट बता दीजिए सब लोग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, क्या सब लोग कमेंट सब लोग फटाफट बता दीजिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सब लोग भाई फटाफट बता दो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपका सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, वो उतना ज्यादा आपके H प्लस को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। वो H प्लस से जो इलेक्ट्रॉन लेने हैं सेंट्रल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ जो आपका हाइड्रोजन है या फिर उसके साथ जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप है, उसमें सेंट्रल एटम की जो आपकी निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन है, आप सभी समझ गए होंगे।
ठीक है, सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन। बोलिए भाई, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, लगभग सब लोगों ने ए बोला। दीपिका गारिया जी ने कहा है कि डी। नहीं, अच्छा डी और ए सेम है शायद, डी और ए सेम हो गए हैं शायद, वो टाइप नहीं किया है। एच सी एल ओ फोर, एच बी आर ओ फोर, एच आई ओ फोर, ठीक है। तो डी ए सेम है, जिसने ए और डी दोनों कमेंट किए थे उन दोनों लोगों का सही है, ठीक है। जिसने डी किया है बिल्कुल सही है। हाँ, ए एंड डी आर सेम। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने कॉन्सेप्ट, ये राइटिंग के लिए हम लोग देते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आपसे बेसिकली क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला कह रहा है कि एसओ थ्री कैन जनरेट एच प्लस इन एक्वस मीडिया एंड कैन बी रिगार्डेड एज आरहीनियस एसिड। ये स्टेटमेंट सही है या गलत। अगला क्या कह रहा है कि द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सेम फॉर ऑल एसिड्स एंड बेसिस। ऑल एसिड एंड बेसिड में नहीं, आप ये कह सकते हैं हाँ, एवरी टाइप ऑफ एसिड बेस, किसी भी टाइप के एसिड बेस आपस में ऐड किए जाए तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो सेम होती है। ये क्या पॉइंट सही है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, CrO3 इज मोर एसिडिक, CrO3 इज मोर एसिडिक देन Cr2O3। बोलो भाई, इसमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं, जो कौन कौन से ऑप्शन हैं वो क्या हैं, सही हैं। फटाफट आप लोग इसमें बताएंगे कि कौन से ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, काफी लोग आई थिंक पीछे हैं वीडियो में, तो आप लोग थोड़ा आगे की तरफ लाइव ही रहिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 3 4 2 मिनट पीछे रह जाए तो फिर मैं सवाल करूंगा और आप जवाब करने में समय लगाएंगे। बाकी जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो कृपया वीडियोस को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा, लाइव में हमें काफी सारी बातें करनी होती हैं। अजय सर, अजय शिवाजी ए एंड सी, सयान चक्रवर्ती बी, और ये एचटीएन के केमिस्ट्री बी, ज्योति जी सी, कविता रानी ए, राहुल ए एंड सी, ए एंड सी, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, साक्षी सी इज करेक्ट, और इसके बाद सी के काफी लोग हैं, सुजाता जी ए एंड सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो ये ऑप्शन है SO3, इसमें जो ये बात इसने बोली, सबसे पहली बात ये जो बोली कि SO3 कैन जनरेट एच प्लस इन एक्वस मीडिया, बिल्कुल सही बात है कि एक्वस मीडिया में आपका SO3 क्या है, एच प्लस जनरेट कर सकता है, ठीक है। एंड कैन बी जनरेटेड एज आरहीनियस एसिड, तो आप ये बात गलत हो गई, बिल्कुल गलत बात है। आरहीनियस कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये ऐसा कंपाउंड जो ऑलरेडी हाइड्रोजन कंटेन करता हो और फिर वो एच प्लस दे तब वो एसिड कहलाता है। तो बिल्कुल माइनर सा, छोटी सी मिस्टेक है आरहीनियस कॉन्सेप्ट में, अगर आपने ये छोटी सी लाइन ध्यान नहीं रखी तो आपका गलत हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने सी ऑप्शन दे रहे हैं, सिर्फ योगिता जी, निशा जी, एच एन के केमिस्ट्री, और क्या नाम है आपके, बिक्कू, ठीक है, और अमीना, अर्चना और ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग सिर्फ सी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है एसिड बेस केमिस्ट्री में। जब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर और भी मजा आने वाली है। जिन लोगों ने सी आंसर किया बहुत बढ़िया, ठीक है, सिर्फ सी ऑप्शन ही करेक्ट है, बिल्कुल सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ये बात आपको समझ में है कि आरहीनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर, आरहीनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन होना ही चाहिए और SO3 हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, तो ये H प्लस भले दे रहा हो लेकिन ये क्या होगा, आपका एसिड कंसीडर नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आरहीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। सेकंड स्टेप में जो आपसे बात कही जा रही है वो कही जा रही है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, कि नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन। बिल्कुल सही बात है, एच प्लस और ओ एच माइनस का जुड़ना ही आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और कह रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है ये। आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और जब स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में ऐड किया जाए तो हर टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब आपस में ऐड किया जाएगा तो उन सब के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, सेम होगी।
लेकिन अगर आप वीक एसिड यूज कर रहे हैं और वीक बेस यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, हमें उसके वीक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड को, वीक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होगा जो ब्रेक करना होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हीट यूज करनी पड़ेगी। तो जब कुछ ना कुछ हीट यूज करनी पड़ गई तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आई बात समझ में आप सभी को, कि यहां पर थोड़ी एनर्जी यूज हो जाएगी वीक एसिड को ब्रेक करने में, तो जिस वजह से वीक एसिड और बेस के केसेस में डिपेंड करेगी आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब ये लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो मैंने कही, या फिर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो CrO3 में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी, यहाँ पर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो इसकी सॉरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर CrO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका मतलब है उसके सेंट्रल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है वो क्या है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या आप सभी को ये बात क्लियर समझ में आ गई, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? HSO3 बेसिकली कैसे देता है, देखो SO3 +2H2O, अब बेसिकली देखो क्या करता है ये SO3, क्या करेगा कि एक H2O से उसका OH- खा जाएगा, और एक H2O से उसका OH- खा जाएगा, तो यहां पर बनेगा HSO4-, और इससे निकला जो H+ होगा वो वाटर खा जाएगा, तो इसका मतलब +7 में बनेगा H3O+। आई बात समझ में, इस तरीके से हम कहते हैं क्या, इसने किया क्या, इसने इस वाटर में H+ जनरेट कर दिया, देखो H3O+ बना दिया, तो इस तरीके से ये क्या करता है आपका H+ डिलीवर करता है सॉल्वेंट पे, एक्वस मीडिया पे आने पर ये H+ जनरेट करता है। बोलिए भाई सबको बात क्लियर समझ में आ गई, जिस जिसने सी आंसर किया था बहुत बढ़िया जवाब थे आपके, ठीक है, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, ये बात सभी को क्लियर हो गई, तो बताइए आगे बढ़ा जाए, फटाफट बताएंगे, ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा देखेंगे एसिड बेस चैप्टर में कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर के बस अप्लाई करने हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ बहुत ही खतरनाक चीज नहीं है, बस ये है कहां पर किस चीज को अप्लाई करना है, इसका सिलेक्शन कौन कब चीज डोमिनेट करने वाली है उसी पर आधारित हम कुछ सवाल करेंगे, और उसके बाद जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आराम से अच्छे से डिटेल वाइज 1 by 1 केसेस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस टाइप के सवाल आपके आते हैं या जिन कॉन्सेप्ट पर आपके सवाल आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट कर दीजिए कमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिकली HCl, ये आपका HCl है, HCl की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इन अ इज ए, ये ए है एसिडिक स्ट्रेंथ इन अ पोलर सॉल्वेंट, HCl की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ए है इन अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, while acidic strength of NH3 है ये, बेसिकली यहां पर अमोनिया है, ठीक है, इन्होंने गायब कर दिया है, मैंने H3 नहीं लिखा है, तो NH3 is B, NH3 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है, B, तो NH3 की एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है आपकी, ये सॉरी NH3 नहीं, NH4+ है, ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे ये 4+ यहां पर आ गया है, NH4+ है, ये है आपका NH4+, पहले मैं सवाल सही कर देता हूँ फिर कमेंट करना, पहले मैं सवाल को सही कर देता हूँ, NH4+, ठीक है, NH4+ और HCl, NH4+ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो B है और HCl की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो A है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बताओ, ये बात क्लियर हो गई आप सभी को समझ में आ गई, सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे, अभी मैंने सवाल ठीक कर दिया है, NH4 के लिए जो आपका बेसिकली अमोनियम आयन है, देखो ये तो एनायन है ना, ये खतरनाक एनायन है, और ये NH3 तो तुरंत बना देगा, ठीक है, तो ये तो तुरंत आसानी से NH3+H+ लीव कर सकता है, ठीक है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेसिकली वो क्या है आपकी, बी है, वो क्या है आपकी, बी है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बी है, और जो आपका HCl है वो भी अच्छा एसिडिक है, वो भी अच्छा एसिड है, तो ये H+ और Cl- बनाएगा, ठीक है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ए है, तो बताइए क्या सही हुआ, बी ऑप्शन इज करेक्ट एवरीवन इज सेइंग कि ए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी, सब लोग बी कह रहे हैं, सी वाले कुछ लोग हैं,
सरेंडर जांगरा, सी अक्षय सी, ठीक है, सी भी काफी सारे लोग हैं और काफी ज्यादा जनसंख्या में ए हैं। तो इस जनसंख्या, ये जो जनसंख्या ए वाली है, कृपया ध्यान से सुने मेरी बात को। देखो यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पर क्या है आपका, यूज किया जा रहा है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट समझ ही नहीं रहे हो, आप तो अपने मन से सवाल करने लगे जब मैंने बताया कि एसिड बेस में आपको सॉल्वेंट पर ध्यान देना है, वो गैस फेज में है या फिर लिक्विड सॉल्वेंट है। अगर लिक्विड सॉल्वेंट है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है। अब जब ये पोलर सॉल्वेंट है, अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो देखो ये NH4+ को पहले ही स्टेबलाइज कर देगा। NH4+ क्या है, एक आयनिक आयनिक स्पीसीज है, तो ये आयनिक स्पीसीज को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। और अगर ये आयनिक स्पीसीज को स्टेबलाइज कर देगा तो ये NH4+ को ब्रेक ही नहीं होने देगा, और जब ये NH4+ ब्रेक ही नहीं होगा तो इसका मतलब इसकी स्टेज बेकार हो गई। जबकि HCl में क्या है, बेसिकली ये नॉन पोलर है, लेकिन जैसे ही H+ और Cl- बनेगा तो पोलर सॉल्वेंट्स क्या करेंगे, तुरंत इसके आसपास आकर इकट्ठे हो जाएंगे और इनको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि HCl की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम कहेंगे यार कि NH4+ है और भाई NH4+ तो पहले ही आयन है तो ये तुरंत टूट के H+ देना चाहेगा, लेकिन नहीं, पोलर सॉल्वेंट होने पर NH4+ के आसपास क्या होंगे, वो पोलर सॉल्वेंट आके इकट्ठे हो जाएंगे और उसको ब्रेक होने नहीं देंगे। जबकि HCl को वो तुरंत चाहेंगे कि H+ में ब्रेक हो जाए और Cl- ब्रेक हो जाए, ताकि हम इनके साथ इंटरेक्शन करके क्या कर सकें, थोड़ी और एनर्जी रिलीज कर सके। जितना ज्यादा एट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कि ए विल सॉरी बी विल बी सॉरी क्या है आपका, ए विल बी ग्रेटर देन बी। हाँ, ए विल बी ग्रेटर देन बी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मैं ए और बी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो जिस जिसने करेक्ट ऑप्शन दिया था कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए वाले जिन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए वाले बिल्कुल बधाई हो आप सभी को, गैस फेज में अपोजिट हो जाएगी। हाँ, गैस फेज में आसानी से ब्रेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन गैस फेज में हर जगह ऐसा नहीं होता कि किसी भी सवाल को कहीं भी चेक कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता कि किसी भी सवाल को कहीं भी चेक कर लिया जाए। अब आयन गैस फेज में कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसलिए गैस फेज में आपका बेसिकली NH3 आसानी से ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर सवाल को एकदम से गैस और लिक्विड में हम लोग नहीं बनते, इसलिए नहीं तो हम लोग तो जो सवाल चाहे वही बनाए और पूछने लगे, लेकिन जो सवाल आते हैं वो ऑथेंटिक सवाल होते हैं, ठीक है, कि जिनको पहले प्रैक्टिकली देखा गया, फिर उस पर एक अच्छी थ्योरी अप्लाई करी गई और उस थ्योरी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ हम खास यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आपके सॉल्वेंट का मेन खेल है गैस फेज में, मैंने आपको पैरामीटर्स बताए और मैंने आपको यहां पर पोलर सॉल्वेंट आया तो वहां पर भी मैंने आपको बताया, ठीक है, मींस NH4 सॉल्वेटेड हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाँ, ये बात समझ में आ गई ना कि ए विल बी ग्रेटर देन बी, ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब बी आंसर होगा, ठीक है, जितने लोग बी बोल रहे थे वो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने यहां पर इसको पहले यहां पर देख रखा है ना, ठीक है, तो मैं ए बी में कंफ्यूज हो गया था इसलिए बोल रहा था हिसाब सभी से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बोलिए भाई आगे की ओर बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो फटाफट कमेंट करो, यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट करिए और तब हम आगे बढ़ेंगे। जब जब एक एक बंदा सब तक सीख नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। गैस फेज में श्रेयसी की अपोजिट हो जाएगी, गैस फेज में अपोजिट हो जाएगी। गैस फेज में क्या होगा बेसिकली कि आपका NH4 फिर तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा ना, आयनिक स्पीसीज तो इतना स्टेबल होगा नहीं, तो तुरंत क्या करेगा NH3 बन जाएगा तुरंत, भाई अमोनिया गैस उड़ जाएगी तुरंत निकल के और H+ आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब कह दो H+ देखे अपना क्या है, अमोनिया तो तुरंत बाहर निकल जाएगी तो ये तुरंत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो गैस फेज में आपका बिल्कुल सही है, आपका अमोनिया ज्यादा एसिडिक होगा इन गैस फेज, बी विल बी ग्रेटर देन ए इन गैस फेज, ओके। पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा तो क्या होगा, देखो बहुत बढ़िया, सारे के सारे केसेस आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा, तो पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो इसका मतलब है फिर पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा तो फिर अमोनिया ही होगा। होगा पोलर सॉल्वेंट के केस में ही, पोलर सॉल्वेंट नहीं लेंगे या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो अमोनिया ही होगा, गैसीय फेज लेंगे अमोनिया ही होगा। आ रही बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, गैस फेज में एसिडिक स्ट्रेंथ फटाफट आप कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो, गैस फेज में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। यहां पर ये ग्रेटर देन का ऑप्शन लगा, ये ग्रेटर देन का ऑप्शन लगा है, फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि गैस फेज में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। अभी तो सिर्फ गैस फेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी और आगे आने वाले हैं सवाल। प्रतीक शर्मा, आई वॉज लेट, नो प्रॉब्लम, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो पढ़िए और पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उनको वीडियो में देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, एसी और ये डीई, ये चार एटम्स यूज किए गए हैं, ठीक है। इनके हाइड्राइड्स हैं बेसिकली, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं उसके आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, और इसको तुरंत मार्क कर लिया करो, क्या है कि गैस फेज। तो गैस फेज में बेसिकली क्या करना है, गैस फेज में हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि कौन किसकी जो बॉन्ड, क्या नाम है, जो एनायन बनेगा, और जो सबसे जो पहला पैरामीटर आता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का आता है। तो देखो, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जब हम ऊपर से क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, H2SO4, H2SO4, H2E, हाँ देखो जो जो ऑप्शन सेम हो गए हैं तो उन पर ध्यान मत दीजिए, जो अलग अलग है सिर्फ वही आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है इनका, तो साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, तो टी के केस में ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, क्या नाम है, कंपेरेबली यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डोमिनेट कर जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो इस वजह से आपका H2TE जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन H2SE, देन H2S एंड देन H2O। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हम वहां पर फिर बॉन्ड ब्रेकिंग की जगह वहां पर जो इनका H2S माइनस के बाद जो ये OH माइनस आयन बनेगा, ठीक है, SH माइनस आयन बनेगा और SCH माइनस आयन बनेगा, इनकी बात करने लगेंगे, ठीक है। तो हेयर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हेयर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी, इस पर आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गैस फेज में आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो मैटर करती है, अगर साइज बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा सब लोग, ठीक है। अब चलिए इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को बताओ। देखो, सीएसआईआर नेट में सवाल ऐसे इस तरीके से आपसे पूछता है कि कई बार सिंपल क्वेश्चन को भी, सिंपल क्वेश्चन को भी आपसे क्या कह देगा कि उसका नाम आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं देगा, और स्ट्रक्चर ना देकर आपसे नाम पूछता है, तो इसलिए जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम देखकर आपको उनका स्ट्रक्चर पता करना जरूरी है, उनका स्ट्रक्चर पता करना आपको आना चाहिए। बोलिए भाई, फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, जितने और लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखकर कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। और जो लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज, जितने भी लोग हो सब लोग चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप जितनी तेजी से सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहेंगे उतनी तेजी से हमें और उतनी तेजी से हम और वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पर जितना ज्यादा कंटेंट हम डालना चाहेंगे उतना ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट पर ही डिपेंड करेगा, तो जितने लोग नए हैं, ठीक है, और बाकी जितने लोग पुराने, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रतीक शर्मा सी, डी डी, कृष्णा डी, सुजाता डी, सी सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं भाई, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। पाई पिरिडीन, पाइराजीन, बताइए भाई, सब लोग कमेंट करके बताइए। पाइपिरिडीन, पाइराजीन और मॉर्फिन में, ए ऑप्शन में मॉर्फिन आ गया है, पाइपिरिडीन सेकंड नंबर पे, पाइपिराजीन थर्ड नंबर पे, सब लोग भाई कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। चलो देखते हैं कि कौन सा सही है। देखो, पाइपिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, हाँ, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, बहुत बढ़िया। देखो, स्ट्रक्चर का खेल है बेसिकली, यहाँ पर कुछ नहीं है, पाइपिरिडीन, तो पाइपिरिडीन बेसिकली क्या होती है आपकी, ये आपका साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं एक नाइट्रोजन इंसर्ट कर देता हूँ तो ये होती है आपकी पाइपिरिडीन। अब मैं आपको नाम बता दूंगा तो नाम पता करते ही आप क्या नाम है सही कर दोगे। एक्चुअली पेपर में क्या होता है कि जब ये देखते हैं वो लगता है, अरे यार इसका तो स्ट्रक्चर ही नहीं याद है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बस इसलिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद आपका जो पाइपेराजीन, तो पाइपेराजीन आपका जो बेसिकली होता है, यहाँ पर क्या है आपके पास, इस जगह पर आप इसमें नाइट्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर दोनों जगह अपोजिट साइज में यहाँ पर नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ पर नाइट्रोजन लगाओ, और जो आपकी मॉर्फीन है ये बेसिकली क्या होती है आपकी मॉर्फीन, यहाँ पर हाई ऑक्सीजन लगा दो, ये आपका बेसिकली NH, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर आपको पता करना है, करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर, करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर,
तो बेसिसिटी ऑर्डर बेसिकली देखो यहाँ पर डिपेंड किस पर करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या है? नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर प्रेजेंट है तो बेसिकली जैसे आप कहते हैं कि NH3 और NF3 में, NH3 और NF3 में बेसिकली ये फ्लोरीन क्या करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर को क्या कर देता है, कम कर देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या कर देता है, कम कर देता है। NH3 ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या करेगा, इस वाले केस में, ये वाले केस में आपका जो बेसिकली ये प्रोटॉन होगा ना, ये क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा। सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपका ये पाइपेरिडिन। उसके बाद ये जो आपका एनएच ग्रुप जो दूसरा लग रहा है, ये एनएच ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और माइनस आई इफेक्ट लगाने से इसके जो लोन पेयर हैं उनकी अवेलेबिलिटी में रिलेटिवली कमी आ जाएगी। अगर हम रिलेटिव चेक करें तो इससे इसकी रिलेटिव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये, और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा लगेगा। और आपका सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर में होगा वो क्या होगा, आपका तीसरा नंबर होगा। तो देखिए किस में देखते हैं, पाइपिरिडीन, पाइपिराजीन और मॉर्फियोलिन। तो ये आपका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई बात समझ में? बस स्ट्रक्चर का काम था, और माइनस आई इफेक्ट लगने से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी में क्या हो जाएगी, कमी आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अब यहां पर एक मैं बात और सभी आप सभी को बताना चाहूंगा, एक मैं आपको बात और क्या बताना चाहूंगा कि इसमें आप जो मेन कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, उस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए और ये कॉन्सेप्ट यहां पर सीख लीजिए। क्या कि हम जब सबसे पहले इसमें इसको गलत अप्रोच क्या होती है इस सवाल की, कि हम बेसिकली इस तरीके से सवाल को देखते हैं, यहां पर ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, हम सोचेंगे कि इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने के बाद यहां पर जो एनायन बनेगा, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो एनायन बनेगा उसके हिसाब से उसकी एसिडिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपसे बेसिसिटी कैरेक्टर के बारे में चेक किया जाए, तो बेसिसिटी का मतलब सीधा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से है, ठीक है। यहाँ पर आप एसिडिटी में कंपेयर मत करना, ठीक है। कई बार हम लोग स्ट्रक्चर देखकर एसिडिटी की जगह बेसिसिटी कर पाते हैं और बेसिसिटी की जगह एसिडिटी कर पाते हैं। तो ये माइनर माइनर से जो पॉइंट है ये ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। बेसिसिटी में बस और कुछ नहीं करना था, स्ट्रक्चर का है। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि NH3 और NH2 इन दोनों में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फटाफट कमेंट कराइए। इसकी ए है और इसकी बी है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फटाफट कमेंट करके बताएंगे किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये हमें कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। ठीक है, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस टॉपिक को हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ए भाई फटाफट, जितने 85 लोगों, एक एक बंदे का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। एक एक ह्यूमन बींग का कमेंट आना चाहिए। जब तक सवाल नहीं आएंगे, जवाब नहीं आएंगे, तब तक सवाल भी नहीं आएंगे, ठीक है। वो एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी ना कि कलम नहीं उठाऊंगा जब तक 5000 व्यूज नहीं हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके जवाब देना बहुत जरूरी है, जितना म्यूचुअल इंटरेक्शन यहाँ पर होता है उतनी लंबी क्लास करने का भी मन होता है। ए ए ए ए बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। अभी भी बचे हुए हैं ऐसे लोग कि जिनके हिसाब से बी ज्यादा होगा, बताओ। सीधी सी बात है, देखो क्या नाम है, श्रीनिवास रू के जी, एक्चुअली सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग मिस्टेकली। देखिए बेसिकली क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है यार। देखो बेसिसिटी ऑर्डर में आपको बस चेक करना है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किसी पर अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। सीधी सी बात है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। बी इज मोर एसिडिक देन ए वाले जो लोग हैं ये कृपया ध्यान दे भाई, बी इज मोर एसिडिक वाले अभी भी बचे हुए हैं। देखो यहाँ पर आपके पास NH3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन में बेसिकली ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगले केस में क्या किया जा रहा है कि नाइट्रोजन में ये हाइड्रोजन और इसकी जगह में एक हाइड्रोजन हटाकर मैं क्या लगा दे रहा हूँ, NH2 लगा दे रहा हूँ। और NH2 में नाइट्रोजन क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है भाई, तो इसका मतलब इस पर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो NH2 में किसी भी एक नाइट्रोजन की लोन पेयर के जब अवेलेबिलिटी चेक करोगे तो उस पर दूसरे नाइट्रोजन का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, और जिसकी वजह से उसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ए आपका क्या है, ज्यादा एसिडिक है, बोलो भाई। बी मोर एसिडिक वाले कैसे काम चलेगा, और जो लोग ए बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आगे की ओर बढ़ा जाए,
आगे की ओर बढ़ा जाए, किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब इस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी सवाल आएगा, आपके सेक्शन बी में सवाल आते हैं, इनसे बहुत सवाल आते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। और इवन सेक्शन बी में आपका जैम में, नेट में, गेट में, हर जगह क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैम हो गया आपका, नेट हो गया, और आपका गेट हो गया, हर जगह सवाल आते हैं। और इसकी मैं एक डिटेल सीरीज लाएंगे हम, जरूर जल्द ही लाएंगे डिटेल सीरीज, जिसमें वन बाय वन सारे के सारे केसेस हमें पढ़ने होंगे। बोलो भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताते रहिएगा कि हाँ चीजें सब कुछ समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। वैशाली जी क्या डाउट है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। वैशाली जी डाउट क्या है आपको, ठीक है, क्योंकि कई बार एक बंदे का डाउट काफी सारों के लिए नया कॉन्सेप्ट ला देता है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। तो आपका जब कमेंट आएगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उससे पहले जो लोग बैठे हुए हैं आराम से, वो लोग कृपया सवाल पर ध्यान दें और कॉपी पेन लेकर बैठा करो भाई। गुड नाइट क्लास का मतलब है कि आपको मेहनत करनी है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस बैठे हुए हैं, कॉपी पेन लेकर बैठा करो साथ में जितने लोगों, पर डे गुड नाइट क्लास चलती रहेगी रेगुलर आपकी सालों साल। यहाँ पर बेसिकली क्या है, HFSO3, H2SO4 और आपको बेसिकली CH3, HSO3 और NH2SSO3, इनमें से आपको चेक करना है क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले जो इसका मेन बेसिकली है, देखो ये ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अंदर भी ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बोलो भाई कमेंट करो यार, आपको काफी लेट हो, आई थिंक एक मिनट का लैग गया है इस वजह से। अब बेसिसिटी और एसिडिक नेचर में क्या डिफरेंस है, ये आप सभी को, इतने सारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो तुरंत बता देंगे भाई, सीधी सी बात है। एक्चुअली होता क्या, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, इस बात को हम आगे और डील करेंगे। आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बेसिकली, कि कभी भी आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड, देखो एक बेसिक ओवरऑल मैं जनरलाइजेशन बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग थ्योरी के हिसाब से अलग अलग होता है। देखो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सॉल्वेंट के, जिस सॉल्वेंट में हम लोग चेक कर रहे हैं उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, उस सॉल्वेंट के जो कैटाइनिक, जो उसके कैटाइनिक फॉर्म को जनरेट करता है, वो एसिड कहलाता है। कोई भी सॉल्वेंट हो, अगर हमने कोई एक उसमें ऐसा स्पीसीज मिला दिया जो सॉल्वेंट के कैटाइनिक पार्ट को क्या करे, जनरेट करे, सिस्टम में कैटाइनिक पार्ट को क्या करे, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, तो वो एसिड कहलाता है। और अगर वो एनायनिक पार्ट को जनरेट करे, किसको पार्ट को जनरेट करे, एनायनिक पार्ट को जनरेट करे, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका बेसिक कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये एक ओवरऑल जनरलाइजेशन कह सकते हैं आप, ठीक है, एक ओवरऑल जनरलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं सॉल्वेंट के आधार पर। ए ए ए आप में से क्या नाम है, सौम्या जी बी, दीपिका जी बी, योगेश ए, प्रतीक ए, अक्षय ए, कृष्णा सरेंडर और सुरेंदर सॉरी, और क्या नाम है, सुजाता जी, HNK केमिस्ट्री, ए ए करेक्ट सब लोग बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसका स्ट्रक्चर। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए इस H2SO4 का। जब भी कोई स्ट्रक्चर में वेरिएशन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, देखो अप्रोच समझा करो, कभी भी कोई भी सवाल आपके सामने आए एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का, तो आपके सामने जो जिस कंपाउंड को परफेक्ट है आपके दिमाग में, उसका स्ट्रक्चर परफेक्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आपको बनाना होता है उसका स्ट्रक्चर। तो आपने स्ट्रक्चर बना लिया बेसिकली सल्फर, और यहाँ पर ये एक ओ एच ग्रुप, ये दूसरा ओ एच ग्रुप, और ये दो सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, H2SO4 का। अब सेकंड फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि HFSO3। अब देखो एस एक दो तीन ओ बचे हुए हैं, और इस ओ एच को, एक ओ एच को हटा कर क्या कर लगा दिया जा रहा है, फ्लोरीन लगा दिया। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर ये ओ एच, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ। तो HFSO3 का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा। आगे देखिए, अब देखिए आप समझ जाओगे आप। अब इसके केस, इस वाले केस में क्या है, बेसिकली CH3 लगा रहे हैं OH की जगह, तो आप सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पर ये CH3 लगा दीजिए, और यहाँ पर ये OH लगा दीजिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा दीजिए, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा दीजिए। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगला लास्ट वाला केस क्या है, यहाँ पर आपका बेसिकली जो लास्ट केस है वो ये है कि आपका यहाँ पर ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
एक OH ग्रुप और इसकी जगह आपको क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ए बी जितने लोग कर रहे हैं, चलिए देखते हैं कि आप हमारा सवाल आप सब आप में से कितने लोग सही हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब आप किसी एक सब आपको एक बेसिक इसके बारे में आइडिया तो है ही है कि आपका ये OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप में आपने क्या किया कि OH ग्रुप की जगह लगा दी फ्लोरीन। इसका मतलब है क्या लगा दिया, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया। क्या लगा दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया। इसका मतलब है सेंट्रल की जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपका HFSO4 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो आपके इससे H2SO4 से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आपने और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने OH ग्रुप को हटाकर CH3 लगा दिया। तो CH3 में क्या लग रहा होगा भाई, CH3 लगा रहा होगा अपना प्लस आई इफेक्ट। क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब है क्या कर रहा होगा, यहां पर जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ा दे रहा है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ा दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। और ये लास्ट वाले केस में क्या है, लास्ट वाले केस में आप ध्यान से देखो, समझना जरा ध्यान से। यहां पर नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से तो कम है, ऑक्सीजन से तो कम है। तो आप यहां पर ये सोचोगे कि ये लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन का, इस वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी आपका ये लास्ट वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो यहां पर ये ए बी सी डी लिखना चाहिए था इनको, ए ये बी ठीक है और ये सी और ये डी, ये डी है ठीक है और ये आपका सी है और ये आपका पहला ए है दूसरा बी। तो लेकिन यहां पर होता क्या है कि आपका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है लोन पेयर और ये लोन पेयर आपके सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये अपने लोन पेयर को किसमें डोनेट कर सकता है, सॉरी ये अपने लोन पेयर किस पे डोनेट कर सकता है, सल्फर के डी इलेक्ट्रॉन्स में डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट कह रहा है, लग रहा है आपका, आपका क्या लग रहा है यहां पर, यहां पर आपका लग रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है आपका बेसिकली कहां गया, हाँ ये जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है यहां पर, सॉरी 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 हाँ ये जो आपका यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट से बेसिकली हो क्या रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है आपका बेसिकली आपको पता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है क्योंकि वहां पर रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और यहां पर क्या होता है पार्शियल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है। तो जब रियल इलेक्ट्रॉन फुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अवेलेबल ज्यादा होते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट में, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर प्लस एम की वजह से, प्लस एम की वजह से इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा, बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि NH2 लगाने पर, NH2 लगाने पर डी जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा आपका बेसिकली ए होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में ए होगा आपका, जो कि क्या किसके लिए है, HFSO3 के लिए है। उसके बाद जो अगला आएगा नंबर, जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, बी का नंबर आएगा H2SO4 का, और उसके बाद, उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो किसका आएगा, सी का आएगा जो कि इसका CH3 HSO3 है और NH2HSO3 की बेसिक डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी, तो ये आपका डी नंबर पे आ जाएगा। तो ए बी सी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये किसमें लिख रखा है, ए बी सी डी लिख रखा है आपके बेसिकली बी ऑप्शन में। तो जो जो लोग बी ऑप्शन बोल रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है, जिस जिसने बी ऑप्शन किया है, साक्षी जी, योगिता जी, ठीक है, यस और यस सिंह जी, और ये क्या नाम है, श्रीनिवासु और दीपक पटेल, तो बहुत बढ़िया। जो जो लोग बी बोल रहे थे उसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें पता है, अच्छी राह पर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और इस राह को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में जो एक्सीलरेशन है वो थोड़ी देने की हम आपकी मदद करने के लिए आपसे लगातार कनेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलिए भाई, ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। यादव सुनीता जी बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेट की अवेलेबिलिटी की एक्चुअली वजह से होता क्या है कि हम
आप सभी के साथ डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। और उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं काफी जगह नए, कि एयरटेल में कौन सा ब्रॉडबैंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा नेट आ रहा है, अपने जो स्टाफ है उनसे भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर अभी कुछ लाइंस नहीं है, जो दो तीन वाईफाई का नेटवर्क है उनकी एमबीपीएस स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम लगे हुए हैं, हो सकता है कि वीक 1 वीक या फिर 2 वीक में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी आ जाए, तो हम रात में पर डे आपसे लाइव भी कनेक्ट हुआ करेंगे, तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसका जो भी डाउट है कृपया डाउट कमेंट कर दिया करो तुम्हें, ठीक है, बोला मत करो भी कमेंट। अमीना जी, कविता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कविता रानी बहुत बहुत बढ़िया। सी डी में कमेंट कह रहे हैं कि सी डी में क्या नाम है, आप क्या नाम है चेक करके, सी डी भाई मैंने आपको ओरिजिनल रेफरेंस बता दिया, यहां पर बताइए क्या दोबारा बताना है आप किसी को, किसी को अगर दोबारा एक्सप्लेन करना है सी एन डी वंस अगेन। सी एन डी में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो यहां पर सी वाले केस में क्या है, आपका सी एस थ्री ग्रुप लगा हुआ, सी एस थ्री ग्रुप लगाएगा इस पर प्लस आई इफेक्ट, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। अब यहां से ये OH- जो होगा बेसिकली ये अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सल्फर उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम NH2 की बात करें तो NH2 पहली बात है कि इलेक्ट्रो निगेटिव एटम तो है, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन NH2 के जो लोन पेयर्स हैं वो सल्फर के डी ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, तो इसको कहते हैं एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ में डी ऑर्बिटल्स का डी ऑर्बिटल इंट्रोडक्शन या फिर डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन एसिडिक एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, कि एसिड बेस स्ट्रेंथ पर डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं अपने चैप्टर में, कि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन इन एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात आप सभी को होपफुली क्लियर हो गया होगा, कब मेसोमेरिक देखा है, कब इंडक्ट, सब कुछ देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, हर समय लगता है सब कुछ। अगर आपको मीजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों लग रहे हैं तो आपको पता है कि मीजोमेरिक ज्यादा होता है, तो मीजोमेरिक ज्यादा इफेक्टिव होता है तो मीजोमेरिक आप लेंगे। अब कहीं पर मीजोमेरिक लग ही नहीं रहा है तो वहां पर कोई फर्क नहीं, मीजोमेरिक का मतलब होता है कि इस तरीके से आप बैक बॉन्डिंग जैसे देखते हो ना, उसको मीजोमेरिक इफेक्ट एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की बैक बॉन्डिंग ही है, ठीक है। तो जो लग तो यहां पर लग ही नहीं रहा है तो यहां देख ही नहीं रहा है, अब जहां पर लग रहा है वहां पर देखेंगे, हर जगह देखेंगे, हर सवाल में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये सवाल भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैम, नेट, गेट, डीयू, बीएचयू, आपके सेट के एग्जामिनेशन में हर जगह, इंटरव्यूज में, ONGC के इंटरव्यू में जाएंगे आप वहां पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पीएचडी के इंटरव्यू में जाएंगे आप वहां पर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ये सबका सही होना चाहिए, ये सवाल सबका सही होना चाहिए, ये सवाल सबका सही होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बता दो, ये सवाल सबका सही होना चाहिए, ये सवाल आप सभी का सही होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके बता दो। बी पहला ऑप्शन आया है, बी दूसरा, और भाई कहाँ है सब लोग, बी बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो आपको कहानी क्या है, एक मिनट, मैं 1 मिनट में आया, आप सभी लोग यहीं पर रहिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है ना, आप लोग कनेक्ट रहिएगा, 1 मिनट अभी आएंगे।
सब लोगों ने क्लियर जिसको नहीं दिख रहा हो प्लीज आप क्या नाम है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर दिख जाएगा आप सभी को। हाँ, तो यहाँ पर एक मुझे क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है, वही मैं क्लियर करने गया था। यहाँ पर ये O3 होगा, ये XeO3F2 है, XeO3F2 है, यहाँ पर भी ये XeO3F2 है, XeO3F2 है, ये भी XeO3F2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए मैं देखते ही मुझे क्लिक हुई ये बात, तो ये मैं बात कंफर्म कर ली मैंने। ठीक है, तो आप कमेंट करके आपको बताना। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। इसका कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहली बात, जो आपका सेंट्रल एटम एक्सी है, जब भी आपके पास सेंट्रल एटम एक्सी है आपका, तो सेंट्रल एटम एक्सी की सबसे पहले आपको देखनी होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है, वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकले, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकले तो उस केस में आपका बेसिकली जिसके पास जितनी ज्यादा फ्लोरीन्स होती हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा फ्लोरीन्स होंगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बोलिए भाई, ये बात क्लियर समझ में आई आप सभी को, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा फ्लोरीन्स होगी, सबसे पहले जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा, सीधी सी बात है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। और सेकंड जो आपकी बात है, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकल आए, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकल आए तो उस केस में जिसके पास जितनी ज्यादा फ्लोरीन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा। और इन सब में आपका जो XeF6 होता है, इन सब में जो आपका XeF6 होता है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक इन कैरेक्टर होता है फ्लोरीन। आप समझ ले, जेनॉन आपका ये एक्सी कंपाउंड, एक्सी कितना इनर्ट होता है, लेकिन आपकी सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो फर्स्ट टॉपर आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, और ये सेकंड टॉपर होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है कि आपके इतने इनर्ट कंपाउंड के साथ भी कंपाउंड बना सकती है। तो इससे पता चलता है कि ये आपकी जो फ्लोरिन है, ये इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी ज्यादा है, सिर्फ इस वजह से ही यहाँ पर ये कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो XeF6 की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, XeF6 सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहली बात, XeF6 में अगर इसके आप फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे तो +6 फॉर्मल चार्ज आएगा, और +6 फॉर्मल चार्ज के बाद इसमें जो 6 की 6 है वो क्या है, फ्लोरीन है। तो इसका मतलब है XeF बॉन्ड में इतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कि विद द फॉर्मल चार्ज और प्लस इस माइनस आई इफेक्ट जो अपना लगा रहा होगा, उसकी वजह से ये सेंट्रल एटम जो होता है XeF, वो इतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है कि वो सबसे खतरनाक आपका एसिड कैरेक्टर उसका हो जाता है। तो इसलिए आपकी सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, XeF6 का होगा। अब इसके बाद देखिए, सेकेंड सेकेंड जो है वो क्या है आपका, XeO3 क्या है, XeO3F2, और अगला है आपका XeO3F3। ठीक है, तो XeO3F2 और इन लोगों ने XeO2F2, ये इन्होंने यहां पर क्वेश्चंस गलत लिख दिए हैं, मैं आपको एक करेक्ट ऑप्शन देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन में O2F2 बहुत गलत लिख दिए गए हैं, तो इसलिए मैं इसका आपको प्रॉपर वो बताता हूँ, आपको ऑर्डर बताता हूँ, प्रॉपर ऑर्डर क्या है, प्रॉपर ऑर्डर आप लिख लीजिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। और तो सबसे जो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा वो देख लीजिए, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले होगा आपका XeF6, ठीक है, XeF6 के बाद उसका सेकेंड नंबर का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, XeO2F4। ठीक है, इसके बाद जो इसका ऑर्डर होता है, इसके बाद थर्ड नंबर पे इसका ऑर्डर होता है वो होता है XeO3F2, और उससे कम जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, XeO4, और इससे कम जिसकी होती है वो कितनी होती है, XeOF4, और इससे कम किसकी होती है, XeF4। ये आपका एक ऑर्डर है किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का या फिर एसिडिटी का ऑर्डर है, जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरॉन कंपाउंड्स का।
जरा आप ध्यान से देख लो इन सारे के सारे कंपाउंड्स को, इन जरा ध्यान से देख लो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस यही लगाना है। इससे कभी भी सवाल आएगा, देखो यहाँ पर XeF6 सबसे खतरनाक, इसके बाद देखिए इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 2O2 इसका मतलब +4 और 4 फ्लोरिन इसका मतलब +4, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +8, फॉर्मल चार्ज +8। यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन से कितना हुआ, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 फ्लोरिन से कितनी आएगी, +2। तो देखिए एक्सी यहाँ पर देखिए जरा XeO2F4 और XeO3F2, इन दोनों में ही जो ज़ेनॉन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है, +8 है, ज़ेनॉन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो +8 है, लेकिन आपका जो ये XeOF4 है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो ये क्यों है, बात मैंने आपको बताई ना, जब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी तो उस जगह पर आपको क्या करना होता है, उस जगह पर आपको फ्लोरीन कंटेंट देखना होता है। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन एटम्स हैं जबकि यहाँ पर 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो 4 फ्लोरीन एटम्स में 4 फ्लोरीन, 4 जो एक्सी फ्लोरीन बॉन्ड्स होंगे वो इतने ज्यादा पोलराइज होंगे कि उनकी वजह से, उनके जो पोलराइजेशन की वजह से भी क्या होगा, इस एक्सी पर और ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इसकी यहाँ पर +8 है, अब यहाँ पर +8 हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, देखो यहाँ पर +6 है, कैसे, एक ऑक्सीजन की वजह से -2 और 4 फ्लोरीन की वजह से -4, तो इसका मतलब +6 और यहाँ पर कितनी है, +8। देखो जब +6 और +8 है तो आपका +6 की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, और जब +6 और +6 जरा इसमें देखो इस वाले केस में क्या है, इसमें +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 है तो +6 वाले की ज्यादा है। तो बात समझ में आ रही है, आप कभी भी देखेंगे आपको ध्यान रखना है ज़ेनॉन कंपाउंड्स में, इस वाले क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली इन्होंने कंपाउंड्स का जो मैंने टाइप करने को दिया था वो कंपाउंड्स गलत लिख दिए गए, ठीक है, तो इसको ये यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर O2F3 में मिसिंग कर दी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करनी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपकी सेम आ जाए तो जिसके पास जितनी फ्लोरीन ज्यादा उतना ही उसकी एसिडिक, उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, और इन सब के ऊपर आपका XeF6 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो ये XeO3F3 बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गलत लिख दिया गया था, XeO3F2 था वो, ठीक है, ये जो कंपाउंड्स लिख दिए गए यहां पर ये गलत ऑप्शंस लिखे हुए थे, ठीक है। तो XeO3 की आप निकालना चाहोगे तो +3 वो +3 आएगी फ्लोरीन से, और +3 आएगी फ्लोरीन से, और +6 आएगी ऑक्सीजन से, तो +9 आएगी, ठीक है, यस सिंह जी, लेकिन ये गलत लिख दिया गया है ऑप्शन, इस वजह से ऐसा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्या आप सभी को समझ में आ गया, बोलो भाई, तो इस क्लास के लिए आज का इतना ही रहेगा, ठीक है, एसिड बेस की क्लास में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, इतने सवालों को, इतने टाइप के सवाल मैंने आपको बता दिए, बाकी इसके अलावा एसिड बेस की जब कंप्लीट सीरीज आएगी यूट्यूब पर तब वहां पर हम वन बाई वन एक एक केस को हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो किसी भी बात से रिगार्डिंग, आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सबकी पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, आपकी पर डे पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी हम जितनी बनाकर रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे चांसेस हैं क्या एग्जाम में सिलेक्शन के, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने आप को पहली बार तो स्वस्थ रखिए, अपने जो भी मेजर्स हैं COVID-19 की वजह से उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओपन होकर खुला घूम रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए अपना, और पढ़ाई रेगुलर अपनी बनाए रखिए इस लॉकडाउन में। बहुत बढ़िया, तो आज आपको ये इस बेसिकली इस लेक्चर में एक जो बेसिक डर था एसिड बेस का, ठीक है, वो खत्म हो गया होगा कि एसिड बेस में जो हमें पढ़ना है वो कुछ चीजें हैं जो काफी डिफिकल्ट हैं, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अप्लाई करना होता है। तो इसी के साथ आज की गुड नाइट मैट कैम क्लासेस की तरफ से, गुड नाइट एवरीवन, अपना ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखिए। XeO2F4 जरा ध्यान से देख लो, सब लोग सुन लो, रॉयल केमिस्ट्री रॉयल कैम क्लासेस कह रहे हैं कि XeF6 हैविंग +6 और XeO2F4, तो XeO2F4 में भी XeF6 डोमिनेट कर जाएगा। मैंने आपको बताया कि XeF6 सब में डोमिनेट करेगा क्योंकि उसमें 6 के 6 फ्लोरीन एटम लगे हैं, तो XeF6 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही,
और कोई सवाल किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। इसका रेगुलर लेक्चर जल्द ही आएगा, इसका रेगुलर लेक्चर जल्द ही आएगा। सीएसई भी आपको कल मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा, कल मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सी क्लास है। कल जो भी क्लास है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कल जो भी आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और किसी को जाते जाते कुछ बात कहनी सुननी हो तो आप मुझसे कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये ऑप्शंस गलत हैं, इसके ध्यान रखिएगा। जो लोग बाद में इसको देख रहे हैं ये ऑप्शंस गलत लिख दिए गए हैं, कहीं पर एक्सी ओ टू एफ फोर लिख रखा होगा मैंने, तो उन्होंने एक्सी ओ फोर एफ टू कर दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कंपाउंड अलग अलग तरीके से आ जाएंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम है। तो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। सर इनऑर्गेनिक जैम की कब शुरू होगी ऐप में मंथली सब्सक्रिप्शन वालों की? हाँ देखो, जैसे ही जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ राहुल कुमार जी, कि आपकी फिलहाल जैसे जो आपका जीओसी चल रहा है, ठीक है, और आपका जीओसी के साथ साथ आपकी मॉल कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जीओसी के साथ मॉल कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपका जैसे ही जीओसी मॉल कॉन्सेप्ट और आपका काइनेटिक्स, ये तीन टॉपिक चल रहा है, तो इनमें से जैसे ही कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा तुरंत हम अपना इनऑर्गेनिक शुरू कर देंगे। और इनऑर्गेनिक में आपकी बॉन्डिंग शुरू होगी। क्या शुरू होगी? बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको बार बार ये बात बता चुकी है रेखा जी। हाँ रेगुलर क्लास होती है, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर क्लास होती है, पर डे हम लोग गुड नाइट सीरीज, इस सीरीज का नाम दिया गया है, तो गुड नाइट सीरीज है ये। यहाँ पर पर डे क्लासेस होती हैं, हर रात को हम लोग 9 से 10 के बीच में, 9 से 10:30 के बीच में रेगुलर क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन ही है जो हमें लगातार यूट्यूब पर कंटेंट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। रोशनी जी गुड नाइट 11 प्ले नहीं हो रही है, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर गुड नाइट 11 प्ले नहीं हो रही तो मैं देखता हूँ उसे प्ले कर, ठीक है। गुड नाइट 11 अगर प्ले नहीं हो रही है, गुड नाइट 11 प्ले नहीं हो रही तो मैं देखता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसको देखूंगा, रात तक सही हो जाएगा। हाँ आई मीन नोटिफिकेशन आएगा तो जी। हाँ रेखा जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी आपकी कोई लाइव क्लास या फिर कोई भी प्रीमियर क्लास होने वाली होगी तो आपको आधे घंटे यूट्यूब नोटिफिकेशन देता है। तो सबके सब लोग चैनल को लाइक और बेल आइकन जरूर, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखिए, आपकी एक तो अजय कुमार अच्छी बुक है, ठीक है, और उसके बाद आपका अजय कुमार के साथ साथ सबसे पहले तो आप अजय कुमार से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद एके दास भी एक अच्छी बुक है, एके दास बहुत बढ़िया बुक है। तो स्टार्टिंग के लिए आप अजय कुमार से पढ़ लीजिए, अजय कुमार, ठीक है। और भी है आपकी, क्या नाम है, हुई भी अच्छी बुक है, हुई भी अच्छी बुक है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हुई भी अच्छी बुक है आपकी, हुई हुई से भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और एट लास्ट सबसे ऊपर आपकी एके दास है, एके दास नेट और गेट के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक हुई का नॉलेज होना चाहिए, अजय कुमार का नॉलेज होना चाहिए, तब। जैम के लिए श्रेयसी जी मंथली टेस्ट आएंगे? हाँ श्रेयसी जी, देखिए जैम के वीकली टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, पहला वीकली टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अगला वीकली टेस्ट अगले वीक के संडे को होगा, वीकली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सर क्या फिजिकल को क्या बिना नेट? देखिए देव कुमार जी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना इनऑर्गेनिक पढ़े, बिना सॉरी कौन सा बिना फिजिकल पढ़े, तो बिना फिजिकल पढ़े किसी भी टॉपिक को आप पूरा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसा डर भी, क्या डर कि आपको आती ही नहीं है, आपने सोच दिया कि आती ही नहीं, मेहनत करिए। आपकी सॉलिड स्टेट से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप थर्मोडायनेमिक्स से देखिए, थर्मो से आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना होता है कि, तो अगर आप किसी को भी देखो, मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास परसफिशियंट टाइम है, जिसको फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से अगर उनको डर लगता है तो आप उस टॉपिक को जिससे आपको डर लगता है उसकी एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ दीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पहले, उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके जो नॉर्मल बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल ही क्लियर नहीं होते हैं बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लीजिए किसी भी टॉपिक में, अगर कोई टॉपिक आपको टफ लगता है तो पहले उसका एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है। तो अभी से क्यों सोच लिया कि 6 महीने तक मैं फिजिकल पढ़ूंगा, ठीक है। मंथली टेस्ट कब से आएंगे? मैंने बताया ना आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, पहला वीकली टेस्ट हो चुका है श्रेयसी जी,
वीकली टेस्ट हो चुका है, ऐप में जो सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। शिवम दीवाने जी, हुई की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। हाँ, हुई की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। एटकिंस से भी पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अजय कुमार, हुई और एके दास, एके दास, ठीक है। अब लैंग्वेज टफ है तो लैंग्वेज, क्योंकि जहाँ कंटेंट अच्छा होता है वहाँ लैंग्वेज टफ ही होती है। हाँ बिल्कुल प्रदीप सिंह जी, मैंने आपको बता दिया, फिर बता देता हूँ। देखो भैया, आपकी जो जीओसी करंटली चल रही है, और आपकी क्या नाम है, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। इस समय जो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस समय मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और आपकी ग्रुप थ्योरी और रीजन, ये चारों के चारों टॉपिक आपके यूट्यूब पर आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे, लेकिन पूरे आएंगे। सर, फिजिकल का कैलकुलेशन शॉर्टकट में कैसे करते हैं? घोष जी, देखिए घोष जी, फिजिकल का शॉर्टकट में कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने ज्यादा आप सवाल करेंगे, उतने ज्यादा आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करनी है। तो सबसे पहले फिजिकल में क्वेश्चन की अप्रोच आपको पता होना चाहिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे अप्रोच करना है। और फिजिकल कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आएगी। और गेट केमिस्ट्री के एग्जाम में और आईआईटी जैम के एग्जाम में, इन दोनों ही के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती किसी चीज की, मेहनत होती है हर चीज की। रीजेंट के लिए बुक, देखो रीजेंट के लिए बुक आप जब ऑर्गेनिक में तेज सर आएंगे तो आप उनसे पूछा करिए, ठीक है, तो वो आपको और अच्छा सजेशन दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंटली वो अभी बहुत जगह से और रीजेंट पढ़ रहे हैं, तो वो आपको अच्छा सजेशन देंगे। मॉर्फिन वाला क्वेश्चन आप वीडियो पीछे कर दो भाई, दीपेंद्र जी वीडियो पीछे कर लीजिएगा। बोलो भाई, सबके कौन, सबके सवाल खत्म हो गए, सबके सवाल खत्म हो गए, खत्म किया जाए, बस गुड नाइट, सोया जाए भाई, जाए डिनर डिनर कर लें हम लोग भी। राहुल कुमार जी, ऐप में जो रीजेंट केमिस्ट्री पढ़ी है वो आपके लिए है, जो यूट्यूब में इस समय करंटली रीजेंट केमिस्ट्री चल रही है वो क्या नाम है, स्पेशली नेट और गेट के लिए है, और इससे पहले जो रीजेंट केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी वो जैम वालों के लिए भी है, ठीक है। तो ऐप में जो यूट्यूब जी रीजेंट केमिस्ट्री पढ़ी हुई है जैम में, वो है आपके लिए। जो यूट्यूब पर इस समय रीजेंट पढ़ाया जा रहा है, जो नई सीरीज स्टार्ट करी गई है रीजेंट की, वो नेट गेट स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ नेट गेट के लिए, क्योंकि वो हाईअर लेवल की है। एक सवाल आप सभी का, देखो मैं ये क्लियर कर लेता हूँ कि ग्रुप थ्योरी जैम वालों के लिए है कि नहीं। एक तो आप जैम वाले इतने परेशान हो, जैम वालों के लिए पहली बात, जैम में नहीं आती ग्रुप थ्योरी, जैम में ग्रुप थ्योरी से कभी सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है, जैम में ग्रुप थ्योरी से कभी सवाल नहीं पूछा गया है, ग्रुप थ्योरी से सवाल नहीं पूछा गया है। इसके अलावा जैम के साथ साथ जो बीएचयू का डीयू का एग्जाम देता है, बीएचयू का एग्जाम देता है, और आपका टीआईएफआर का एग्जाम देता है, इसमें आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप टू पॉइंट ग्रुप कैलकुलेशन तक आपको पढ़ना होता है, पॉइंट ग्रुप का कैलकुलेशन। तो पॉइंट ग्रुप कैलकुलेशन तक के लिए आपके यूट्यूब पर जो लेक्चर आ रहे हैं वहां तक आपको पढ़ना है, बस उसके आगे नहीं पढ़ना है। इसका मतलब है कि तीन लेक्चर आ चुके हैं, तीन लेक्चर और आएंगे बस, ठीक है। छह लेक्चर आपको जैम वालों तक के, जैम वाले मतलब पढ़ सकते हैं, ये तो वही बात होगी ना कि जब जैम का एग्जाम हो जाए उसके बाद पढ़ना, उसके बाद आपके पास डीयू बीएचयू टीआई पर सबके लिए टाइम होगा ना सफिशियंट, तो उस टाइम पे पढ़ना, अभी जरूरत नहीं है, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। YouTube में एक्चुअली हो क्या रहा है कि अलग अलग चीजें देखकर जैम, सबसे जैम वाले बच्चे परेशान हैं कि उनको रीजेंट कहीं पर नया दिख रहा है, तो भाई रीजेंट अपना अलग अलग सिस्टम होता है, नेट में अलग तरीके से रीजेंट आते हैं, गेट में अलग तरीके से रीजेंट आते हैं, ठीक है। तो आप कंफर्म कर लिया करो जब भी जैम में यूट्यूब से कुछ भी पढ़ रहे हो कि वो जैम के लिए है या नहीं। अब उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिलेबस देखा करो ना, आप सिलेबस देखने की आदत ही नहीं है, अब भाई सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, जो जैम की तैयारी कर रहे हो, जितने लोग जैम की तैयारी कर रहे हो और बहुत सवाल है, भाई सिलेबस देखा आपने आज तक, पूरा का पूरा सिलेबस, एक एक चीज लिखी हुई है उसमें, साफ साफ लिखा हो, अगर उसमें हेट्रोसाइक्लिक भी आई है तो उसमें साथ में लिखा होता है सिर्फ मोनो हेट्रो एटम्स वाली, सिर्फ लिखा होता है मोनो हेट्रो एटम्स वाली, तो सब कुछ जैम के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और चीजों को एनालाइज करना सीखो, बच्चे नहीं रह गए हो आप लोग।
हाँ पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर। ये जो क्वेश्चन थे जितने सारे के सारे क्वेश्चन थे इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम पर बेसिकली एक है ओपन ग्रुप, ठीक है, एक क्या है आपका ओपन ग्रुप है, और दूसरा है चैनल। एक होता है चैनल जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन मिलती है, वहां पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो नोटिफिकेशन के लिए रेगुलर वीडियोस कौन सी आने वाली, कब क्या आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ओपन ग्रुप होता है आपके पर्सनल डिस्कशन के लिए, हमसे डाउट पूछने के लिए। तो दोनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। जितने लोग आपके ओपन ग्रुप में है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो चैनल से क्या होगा कि कोई भी वीडियो आने वाली होगी तो वहां पर सिर्फ हमारी तरफ से जो वीडियोस के लिंक डाले जाएंगे सिर्फ वो दिखेंगे, हमारी तरफ से जो पीडीएफ डाली जाएगी सिर्फ वो दिखेगी, तो वहां पर आपको दूसरे कोई फालतू फालतू का मैसेज देखने की जरूरत नहीं है। और ओपन ग्रुप आपके डाउट के लिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। टेलीग्राम रेखा जी कैसे ज्वाइन करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मैट कैम का आपको टेलीग्राम समझ में खुल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं क्या, एट द रेट मैट कैम क्लासेस, मैट कैम क्लासेस, ठीक है, एट द रेट मैट कैम क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। अराउंड 2600 स्टूडेंट्स हैं, 2600 प्लस स्टूडेंट्स हैं आपके वहां पर, ठीक है। तो उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, और उसके बाद एक चैनल है, उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। आप सर्च कर लीजिए एट द रेट मैड कैम क्लासेस, लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। बेस्ट बुक फॉर यशवर, यशवर यशवर यावर यावर, सॉरी फॉर द गलत नाम लेने के लिए सॉरी, ठीक है यावर जी। देखिए आप पाविया बुक, पाविया पाविया भाई बेस्ट बुक है, ठीक है बेस्ट बुक है, पूरी की पूरी एक बुक आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ही है, स्पेक्ट्रो के लिए ही है, बेस्ट बुक पाविया रिकमेंड्स। बिल्कुल आप सर कल कौन सा लेक्चर आएगा, क्योंकि केवल गुड नाइट सीरीज ही आया। हाँ तो कल जो भी लेक्चर आएगा आपका मॉर्निंग में, आपको जितने लोग भी हो देखो सबके सब सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन दबा दो, कल नोटिफिकेशन मॉर्निंग में आ जाएगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैंने बता दिया आपको भी, ठीक है भाई चला जाए। और कोई सवाल किसी का, पीडीएफ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर योर लेक्चर। देखो सबसे पहली बात, एक और दिमाग में बात आप सब लोग अपने बैठा लो, एक तो क्लास नोट्स सबसे पहली बात कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट तो आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ से मत पढ़ा करो, जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके जो पर्सनल नोट्स बनाए जाते हैं और जो असाइनमेंट है उनके पर्सनल सोल्यूशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में, तो आपके पर्सनल नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ पीडीएफ के पीछे मत भागा करो, बात ये ध्यान रखो, ठीक है। और जो हमारे नोट्स होते हैं, जो आपके वीडियो नोट्स होते हैं, उसमें जो आपके वीडियो लेक्चर होते हैं, वीडियो लेक्चर में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, ठीक है, जो कुछ नया आ रहा है, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 2 साल पहले का आपका नोट्स है, ठीक है, तो उसमें कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है, अब कंटेंट बढ़ गया है, तो इसलिए वीडियो लेक्चर आर इंपॉर्टेंट, नॉट द नोट्स। नेट का एग्जाम कब होगा किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से COVID-19 कोरोना वायरस चल रहा है इंडिया में, मुझे नहीं लगता या फिर हमें पर्सनली नहीं लगता कि अक्टूबर तक एग्जाम होगा, और अक्टूबर में एग्जाम होना दिसंबर में एग्जाम होने के बराबर है, इसका मतलब हो सकता है कि दिसंबर में एग्जाम एक साथ हो, ये एक सजेशन है, सिर्फ हमारा एक एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा अगर एकदम से कोरोना वायरस के केसेस कम हो गए तो सीधी सी बात है कि आपका उसका एग्जाम करा दिया जाएगा नेट का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हम सभी की जिंदगी है। तो मुझे अभी आप बिल्कुल अनसर्टेन हो जाइए, आप सब लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन समझ लीजिए कि दिसंबर वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, क्योंकि इस समय 4 लाख प्लस केसेस हो गए इंडिया में, 4 लाख प्लस केसेस हो गए, दिल्ली की सिचुएशन क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे आप समझिए, तो आपका एग्जाम 4-5 महीने नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी अक्टूबर तक तो शायद नहीं होगा, मोर देन 90% चांसेस है, ठीक है, मोर देन 90% चांसेस। सर ग्रुप थ्योरी के लिए अभी मैंने बताया, ग्रुप थ्योरी के लिए एक तो जैम वालों आप सभी को मैंने अभी भी बताया बच्चों,
क्या नाम है, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, ये देखो जैसा हमने लिखा हुआ है ना, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप ग्रुप थ्योरी आती है बेसिकली आपकी जैम में तो बिल्कुल आती नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, और कभी बाई चांस पूछा जाएगा तो पॉइंट ग्रुप निकालने को पूछा जाएगा। तो आप जैम के लिए तो मत पढ़ो, जैम के अलावा जैम की प्रिपरेशन के साथ साथ DU का एग्जाम देना होता है, BHU का देना होता है, TIFR का देना होता है, तो इन दोनों, इन तीनों एग्जामिनेशन में या फिर इनके सिमिलर जो MSC एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें सिर्फ पॉइंट ग्रुप कैलकुलेशन और सिमिट्री एलिमेंट दो चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप वो जैम के बाद पढ़िएगा, ठीक है, वो कब पढ़िएगा, आप जैम के बाद पढ़िएगा, बाकी अगर आपका मन है, आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। बाकी जैम में ग्रुप थ्योरी से आज तक सवाल नहीं पूछे गए, DU BHU TIFR में पूछे गए, और वहां पर भी ग्रुप थ्योरी अप टू ग्रुप थ्योरी, इसका मतलब है जो इस समय करंटली यूट्यूब पर हमारे चल रही है ग्रुप थ्योरी, वो उसके दो तीन लेक्चर आपको और देखने हैं अप टू, मैं उस वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए, मैं बता दूंगा कि यहाँ पर इसके आगे TIFR DU BHU वाले छोड़ दीजिए, इसके आगे सिर्फ और नेट गेट वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैम के लिए तो पढ़ना अभी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जैम वाले मत पढ़ो, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाना, लगे कि सब कुछ आ गया जैम में, तब ग्रुप थ्री पढ़ना स्टार्ट करना। हाँ रेखा जी, बिल्कुल प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू रखिए, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उसको लगातार रिवाइज कर दीजिए। रेखा जी देखिए, जो आपके YouTube पर जो क्वांटम पड़ी हुई है, ये क्वांटम कुछ नहीं है, आपकी जो क्वांटम केमिस्ट्री होती है ये होते हैं, इसके अराउंड होते हैं 40 प्लस लेक्चर्स, जब 40 प्लस लेक्चर्स अगर आप आसानी से पढ़ोगे तब जाके क्वांटम कंप्लीट होती है। तो क्वांटम की कंप्लीट सीरीज आएगी एक महीने बाद, ठीक है, अराउंड एक दो महीने बाद यूट्यूब पर कंप्लीट सीरीज आएगी, और 40 लेक्चर से कम में अगर आपको कहीं पढ़ रहे हो, आपको कहीं पर 10 5 लेक्चर 20 लेक्चर में पढ़ाई जा रही क्वांटम, इसका मतलब आपको पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो 40 प्लस लेक्चर की सीरीज है, यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसमें से कुछ प्राइवेट है कुछ ओपन है, ठीक है, आप वहां से इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 40 प्लस लेक्चर्स होते हैं तो उसकी कंटिन्यू सीरीज आएगी एक महीने बाद इसी यूट्यूब चैनल पर, तब आप कनेक्ट होइएगा और उसके बाद रेगुलरली पढ़िएगा सब लोग। वैशाली जी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, जो लोग गुड नाइट बोलकर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं बिल्कुल, और जिनको कुछ सवाल हमसे जवाब करने हैं, अपने डिस्कस करना है, वो पूछ सकते हैं। हाँ वैशाली जी, बहुत स्प्रेड हो रहा है कोरोना इससे, ठीक है भाई, तो चला जाए आगे की ओर बढ़ते हैं, गुड नाइट, बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल अपनी क्लास में, ठीक है, कल गुड नाइट क्लास तो होगी ही होगी, कल गुड नाइट क्लास होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, उसका जो टॉपिक है वो आपको कल मॉर्निंग में नोटिफाई करा दिया जाएगा, और उसके अलावा जो भी लेक्चर्स आएंगे वो लेक्चर्स आपके YouTube पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो सब लोग चैनल को लाइक जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या होगा कि जो भी क्लास होने वाली होगी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज इस समय ओपन है MITM क्लासेस के, उसके लिए आप हमारे होम पेज पर जाकर देख सकते हैं अबाउट द ऑनलाइन कोर्स बाय MITM क्लासेस फॉर IIT जैम केमिस्ट्री, CSIR नेट केमिकल साइंस एंड गेट केमिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, सबका खैर, ध्यान रखिए अपना, आज की गुड नाइट आप सभी को MITM क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत गुड नाइट, टेक केयर एंड बी सेफ इन दिस टाइम, ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अपने सारे चाहने वालों का भी ध्यान रखिए, ओके बाय बाय, बस खत्म करते हैं हम इस सेशन को।